बनेगा करोड़पति के 11वें सीजन को अपना तीसरा करोड़पति मिल चुका है। बिहार के रहने वाले गौतम कुमार झा केबीसी के तीसरे करोड़पति बन गए हैं और इस सीजन में करोड़पति का नाम है गौतम कुमार झा। इससे पहले बिहार के ही सनोज राज और महाराष्ट्र के अमरावती में मीट डे मील वर्कर बबीता ताड़े 1 करोड़ जीत चुके हैं और सोनी टीवी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें दिखाया गया है कि गौतम 1 करोड़ रुपए जीत चुके हैं और 7 करोड़ के सवाल पर पहुंच चुके हैं। लेकिन जितना खुश वो 1 करोड़ जीतने पर हो रहे हैं उतना ही नर्वस वो 7 करोड़ का सवाल सामने आने की बात दिख रहे हैं। वही वीडियो देखकर इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि गौतम को केबीसी में लाने के पीछे उनकी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ है और अपनी पत्नी के कहने पर ही वो केबीसी में आए हैं और करोड़पति बन गए हैं। उनकी पत्नी वीडियो में ये कहती हुई नजर आ रही है कि मैंने उनसे कहा था कि आपके पास इतना नॉलेज है तो इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। 1 करोड़ रुपए जीतने वाले गौतम पेशे से इंजीनियर हैं और भारतीय रेलवे के पश्चिम बंगाल में स्थित आंध्रा में सीनियर इंजीनियर की पोस्ट पर काम करते हैं। उनके पिता अरविंद कुमार झा सीनियर वकील हैं। पिता अरविंद कुमार झा और माता सुधीरा झा ने इस पर खुश होते हुए कहा कि गौतम शुरू से ही स्मार्ट रहे हैं और हमें पता था कि वो केबीसी में जरूर ही जीत कराएंगे। इससे पहले सनोज 1 करोड़ रुपए जीतने में कामयाब हुए थे और बबीता ताड़े भी 1 करोड़ रुपए जीत गई थी और अब सीजन के तीसरे करोड़पति बन गए हैं गौतम झा। उन्होंने केबीसी को अब तक 1 करोड़ रुपए जीतने वाले तो मिल चुके हैं, लेकिन देखना ये है कि 7 करोड़ जीतने वाला कौन बनता है और केबीसी का पहला 7 करोड़ जीतने वाला करोड़पति कौन होगा। क्या गौतम ये कर दिखा पाते हैं, क्या गौतम ये कमाल कर पाते हैं और बनते हैं सीजन के पहले 7 करोड़ जीतने वाले विजेता। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।